छतरपुर में एक ही परिवार की दो बेटों की सांप के काटने से मौत हो गई। दोनों भाई सो रही थी, इस दौरान रात में करीब 3 बजे सांप ने पहले नितेश यादव, फिर 15 मिनट के बाद बड़े भाई हृदेश यादव को काट लिया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। भिंड में शनिवार की सुबह करीब 5 बजे उप जेल के बैरक 6 और 7 की दीवार अचानक गिर गई। मलबे में 22 कैदी दब गए, जिन्हें दूसरे कैदियों की मदद से जेल प्रशासन ने निकाला। सभी को चोटें आई हैं। जेल की छत और दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी पत्रकारों की गैंग के कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। मदन महल पुलिस अब तक 9 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि 29 जुलाई को शास्त्री नगर तिलवारा निवासी एक महिला ने मदन महल थाने में फर्जी पत्रकारों के गैंग के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। मां की रिटायरमेंट की पार्टी के लिए जबलपुर से ग्वालियर आए फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने न सिर्फ कार की आग को बुझाया बल्कि बड़ा हादसा होने से भी बचा लिया। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर शुक्रवार की देर रात चलती कार ने आग पकड़ ली थी। सत्यम जायसवाल ने अपना फर्ज निभाते हुए तत्काल अग्निशामक यंत्र ढूंढा और आग बुझा दी। भोपाल में एक ASI समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐशबाग थाने के इन पुलिसकर्मियों पर सटोरियों से रुपए लेने के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत DIG इरशाद वली से की गई थी। गुना में उफनते नाले के बीच एक शराबी युवक ने SDRF की टीम को खूब छकाया। शराबी को नाले से निकालने में टीम के पसीने छूट गए। शराबी युवक बीच पुलिया में बहते पानी में जाकर बैठ गया। वो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हुआ और पुलिया की दूसरी ओर अपने घर जाने पर अड़ा रहा। रीवा जिले के मनगावा थाने की गंगेव चौकी में पदस्थ एक आरक्षक की पत्नी द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। बताया गया कि शनिवार की सुबह आरक्षक घर से चौकी ड्यूटी करने आया था, इसके बाद वो मनगावा थाने से रीवा गया हुआ था। शिवपुरी जिले में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी की चप्पल से पिटाई करते हुए नजर आ रही है। वीडियो एक पार्क का है, जहां पहले तो प्रेमी प्रेमिका एक बेंच पर बैठे रहते हैं और इसी दौरान प्रेमिका प्रेमी पर जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए बरस पड़ती है। मां ने ऑनलाइन गेम में पैसे खर्च करने को लेकर 13 साल के इकलौते बेटे को डांट क्या दिया, उसने फांसी लगा ली। मौके से सुसाइड नोट मिला है। किशोर ने फ्री फायर खेलते हुए 40,000 रुपए गंवाने की बात लिखी है। मामला MP के छतरपुर जिले का है। MP में नाइट कर्फ्यू 10 अगस्त तक जारी रहेगा। गृह विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक भोपाल समेत प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू पहले ही सरकार हटा चुकी है।